वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। और आज की वीडियो में लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो का जो टॉपिक्स होने वाला है वो होगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत थी, क्यों बनाया गया हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, या किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है, इसका एक्चुअली में काम क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो प्रीएम्बल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, शेड्यूल्स हैं, इन सभी का क्या मतलब होता है और इन सभी के बीच में क्या डिफरेंसेस होती हैं, इन सभी का क्या अंतर होता है, इस पे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स, कितने आर्टिकल्स और कितने शेड्यूल हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था उस वक्त इसमें कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल्स थे, और कितने अमेंडमेंट्स के बाद आज कितना हो चुका है टोटल। देखो, इस टॉपिक पे हम लोगों ने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में हम लोगों ने बात करी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के जो आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स हैं, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। लेकिन वहां पे कई सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रह गई थी, डाउट रह गई थी, तो उनका कमेंट्स में कई सारा क्वेरीज आ रहा था। तो कई बार कई लोगों का कमेंट्स में आया है कि इसको थोड़ा और सिंपल वे में समझाइए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हर लोगों की डाउट्स को क्लियर करना कमेंट्स में पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे क्यों ना एक अच्छा फिर से एक जो है वीडियो लेकर के आया जाए, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक्स को बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या जरूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, किसी भी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाई जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, बेसिकली एक रूल बुक होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नियम लिखी जाती है कि किस तरीके से किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाएगा और किस तरीके से किसी भी कंट्री की जो शासन व्यवस्था है, वहां की जो सरकार है, वो किस तरीके का होगा, ठीक है। तो आप किसी भी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां की जो सरकार है वो किस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री के अंदर में जो भी काम होता है, जैसे कि हमारा पार्लियामेंट के अंदर में क्या स्ट्रक्चर होगा, पार्लियामेंट के अंदर में कितने हाउसेज होंगे, जैसे आज के डेट में हमारे कंट्री में दो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके अंदर में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, जुडिशियरी कैसे काम करेगी, लेजिस्लेटिव कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करेगा, ओवरऑल जितनी भी काम होती है हमारे कंट्री को चलाने के लिए, जिस भी तरीके से कंट्री को गवर्न करना है, वो सारा रूल जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बेसिकली एक रूल बुक है जिसको अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किन चीज़ों से मिल करके बना हुआ है हमारे कंट्री का। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिला हुआ है आर्टिकल से, पार्ट से, शेड्यूल से, प्रीएम्बल से और अपेंडिक्स से। और आज की वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को समझते हैं। देखो, आर्टिकल्स क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है और प्रीएम्बल क्या होता है, इन सभी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रीएम्बल से। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी बुक उठा लो, फॉर एग्जांपल आप एनसीईआरटी कोई साइंस की बुक उठा लो या कोई भी बुक उठाओ, उस बुक को आप जब भी खोलोगे तो उस बुक के पहले पन्ने पे आपको दिखेगा प्रीफेस लिखा हुआ। प्रीफेस का मतलब क्या होता है, उस प्रीफेस में उस बुक की ओवरव्यू दी जाती है कि एक्चुअली इस बुक का कंटेंट जो है वो किस बेसिस पे है, इस बुक में क्या बताई गई है, उस बुक के अंदर का जो कंटेंट है उसका नीड क्या है, उसका बेस क्या है, ये सारी चीज एक समरी के तौर पे प्रीफेस में लिखी जाती है। वैसे ही जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक खोलोगी तो सबसे पहले वाले पन्ने पर आपको दिखेगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक की एक्चुअली में प्रीफेस है, और उस प्रीएम्बल में ये चीज दिया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस आधार पे लिखा गया है, कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसके बारे में प्रीएम्बल में दी जाती है। तो टेक्निकली आप किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ प्रीएम्बल पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके का है। तो प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल बेसिकली एक ओवरव्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस बुक के आगे बढ़ोगे तो बुक के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कंटेंट देखने को मिलेगा। कंटेंट्स के अंदर क्या होती है, चैप्टर्स होती है, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, ऐसे करके चैप्टर्स दी जाती हैं। सेम आप प्रीएम्बल के आगे बढ़ोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स क्या है, पार्ट्स इज बेसिकली अ चैप्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
जिस चैप्टर्स के अंदर में कंटेंट होती है, जैसे कि बुक के अंदर में चैप्टर्स के अंदर में कंटेंट होती है जो कि आप पढ़ते हो, है ना, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में चैप्टर्स जो भी पार्ट्स है उस पार्ट्स के अंदर में आर्टिकल्स दी जाती है। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स है रूल। एक्चुअली यहीं पे जो लिखा जाता है कि किसी भी काम को करने का क्या नियम होगा उस कंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऐसे करते करते सारे आर्टिकल्स में एक एक जो है रूल्स जो है वो लिखी जाती है। तो क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट एंड बल्कीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, क्योंकि एक पार्ट में रखना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए क्या किया गया कि क्योंकि रिटन है और सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, तो उसी वजह से क्या किया गया कि कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और उन सभी पार्ट्स का एक एक नाम दे दिया गया। अब देखो, कई सारे ऐसे पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे रूल्स को लिखना पड़ता है। तो इस वजह से क्या किया गया है कि पार्ट्स को भी चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप पार्ट 11 अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे तो उस 11 पार्ट को दो चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट 11 में बात करी गई है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, यानी कि यूनियन यानी कि संघ, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हमारे राज्यों के साथ क्या संबंध होगा, इसके बारे में हमारे पार्ट 11 में दी गई है। अब क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से इस पार्ट को दो चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया। तो पार्ट 11 में टोटल आर्टिकल जो है वो 245 से लेकर के 258 तक है। ओके, तो चैप्टर 1 जो है वो बात करता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि यूनियन और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन किस तरीके से होगा, ये चैप्टर 1 में बात करी गई है और इसमें आर्टिकल 245 से लेकर के 255 तक है। उसके बाद चैप्टर 2 में बात करी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का कैसे शेयरिंग होगा, ये बात जो है वो चैप्टर 2 में दी गई, ठीक है, इसमें आर्टिकल 256 से लेकर के 258 ए तक है। तो ऐसे ही कई सारे पार्ट्स हैं जो काफ़ी लंबे हो जाने की वजह से उसको भी कई सारे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है और उसके अंदर आर्टिकल्स भी डिवाइड हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल बेसिकली क्या है? आर्टिकल क्या है कि पार्ट्स के अंदर लिखे गए रूल्स हैं, है ना। पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स भी डिवाइड किए जाएंगे तो फिर भी उसके अंदर आर्टिकल्स आपको रहेंगे और वो जो है एक्चुअली में क्या है, रूल्स है। हर आर्टिकल में एक अलग अलग रूल्स जो है वो दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल की। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल देखो बेसिकली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा काफ़ी लेंथी है और इसमें सारी चीज़ें लिखना पॉसिबल नहीं था। देखो, हमने सारी चीज़ें नहीं लिखी कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट बन गया। तो अगर हम शेड्यूल को भी अंदर इंक्लूड कर लेते, अगर हम शेड्यूल को आर्टिकल्स में ही लिख देते तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लंबा हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं था उतना लंबा बनाना और उसको कैरी फॉरवर्ड करना। इस वजह से क्या किया गया कि कई बार कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जिस आर्टिकल में कोई चीज़ लिखी हुई है लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बुक में कोई चीज़ पढ़ते हो तो बुक के लास्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, ग्लॉसरी देखने को मिलता है। उस ग्लॉसरी में क्या होता है कि जो भी बुक के अंदर कोई भी वर्ड या टर्म लिखा होता है उस टर्म का डेफिनेशन आपको लास्ट में उस ग्लॉसरी में मिल जाता है। तो आप क्या करते हो कि उस टर्म का डेफिनेशन जो है वो बुक के लास्ट में जा करके देख लेते हो, फिर आपको वहाँ से समझ में आ जाता है। लेकिन अगर उस बुक में उस टर्म की जगह पूरा डेफिनेशन लिख दिया जाता तो बुक काफ़ी लेंथी हो गया होता। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार ऐसे आर्टिकल में कोई टर्म यूज़ किए जाते हैं या फिर कोई ऐसा चीज़ लिखा जाता है जिसको डिफाइन करना आर्टिकल में पॉसिबल नहीं था। इस वजह से क्या किया गया कि आर्टिकल्स में सिर्फ हेडिंग्स दे दी जाती थी या उस टर्म्स को दे दिया जाता था और उसका डेफिनेशन शेड्यूल में लिख दिया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे अलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू बी फिल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ यूटीज shall be in accordance with the provision in that behalf contained in fourth schedule. यानी कि हमारे आर्टिकल 80 के क्लॉज 2 में ये बात करी गई है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के अंदर में सीट का एलोकेशन किस तरीके से किया जाएगा, सीट जो है वहाँ पे किस तरीके से भरी जाएंगी, ये बात आर्टिकल 80 के क्लॉज 2 में बता दी गई है।
लेकिन इस चीज को आपको समझने के लिए कि क्या प्रोविजन होगा, किस तरीके से इसका नियम होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस से इलेक्शन करी जाएंगी और किस तरीके से इसका जो है वो सीट फुलफिल किया जाएगा, इसको डिटेल्स में समझने के लिए आपको फोर्थ शेड्यूल देखना पड़ेगा। तो फोर्थ शेड्यूल में आपको सारी चीजें जो है वहां पे डेफिनेशन के तौर पर डिटेल्स में समझा दी जाएगी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली शेड्यूल का काम कि जब कोई चीज आर्टिकल्स में डिफाइन नहीं करी जा पाएगी तो उस चीज का डेफिनेशन हमारे शेड्यूल में दे दिया जाएगा। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल कितने हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 में बन करके तैयार हो गया था, ठीक है, और उसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा के द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया कि हाँ अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया। किस डेट को? 26 नवंबर 1949, ठीक है। और इसी दिन कई सारे आर्टिकल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की वो फोर्स में आ गई यानी कि लागू हो गई। कुछ आर्टिकल्स जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये सारे आर्टिकल्स उसी वक्त अडॉप्ट होने के तुरंत बाद ही ये सारे आर्टिकल्स उसी वक्त लागू कर दिए गए। लेकिन फिर 26 जनवरी 1950, ये एक ऐसा डेट था जिस डेट को हमारे संविधान को पूरा का पूरा पूरे के पूरे देश पे लागू किया गया, यानी कि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। इसी दिन सारे आर्टिकल, सारे पार्ट, सारे शेड्यूल जो है वो देश पे लागू कर दिए गए और इसी डे को हम लोग गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के नाम पर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन से हमारे भारत में संविधान लागू कर दी गई थी। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ यानी कि 26 नवंबर 1949 को, उस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में टोटल आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 395 थी और टोटल पार्ट्स जो है वो टोटल पार्ट्स 22 था और टोटल शेड्यूल जो है वो 8 था, यानी कि 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, ठीक है। ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में, तब की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो है वो कई सारे समय दर समय पे नए नए सरकार आते गए और नए नए गवर्नमेंट ने अपने अपने अकॉर्डिंग और समय के अकॉर्डिंग, जो भी कहते हैं कि जो देखो समाज में कई बार परिवर्तन होना जरूरी हो जाता है प्रगति के लिए, तो प्रोग्रेसिव होने के कारण जो प्रोग्रेस जरूरी थी उस वजह से कई बार चेंजेस जरूरी हैं, इस वजह से संविधान में चेंजेस लाना पड़ा। तो जब जब चेंजेस लाना पड़ा उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई उतने बार क्या हुआ कि कई नए आर्टिकल्स ऐड करे गए, कई नए पार्ट्स ऐड किए गए और कई नए शेड्यूल्स भी ऐड किए गए। साथ ही साथ कई अमेंडमेंट में पुराने कई आर्टिकल्स को हटा भी दिया गया और कई ऐसे पार्ट्स थे जिनको हटाया भी गया, ठीक है। तो आज के डेट में अगर हम बात करें तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट करी जा चुकी हैं। तो इस मुताबिक से कई सारे आर्टिकल्स जो है वो ऐड कर दिए गए, तो आज के डेट में बहुत सारे आर्टिकल बढ़ गए। तो आज के डेट की अगर हम बात करें तो टोटल आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट होने के बाद 470 है, ठीक है। और उसके बाद टोटल पार्ट्स जो है वो 25 पार्ट्स हो गया और टोटल शेड्यूल जो है वो टोटल शेड्यूल 12 हो गए, यानी कि जो 395 आर्टिकल्स स्टार्टिंग में था जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड हुआ, लागू हुआ, वो बढ़ करके आज के डेट में कितना हो गया, 470। और जो 22 पार्ट था वो बढ़ करके 25 हो गया और जो 8 शेड्यूल था वो बढ़ करके 12 हो गया। क्यों? क्योंकि 105 बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुई, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि अगर आप आज के डेट में ओरिजिनल कॉपी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ोगे तो लास्ट अगर आप देखोगे आर्टिकल तो फिर भी आपको 395 आर्टिकल ही दिखेगा वहाँ पे अंत में, उसके बाद आपको कोई आर्टिकल नहीं दिखेगा। लास्ट पार्ट देखोगे तो 22 पार्ट ही दिखेगा और शेड्यूल देखोगे तो शेड्यूल आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। अब ऐसा कैसे हुआ? देखो, जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जब चेंज लाया गया किसी आर्टिकल को या किसी आर्टिकल के अंदर या कोई नए आर्टिकल ऐड किए गए तो कैसे करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आर्टिकल 21 है और उसके बाद हम अगर कोई संशोधन करके अगर नए आर्टिकल को जोड़ना चाहते हैं तो हम आर्टिकल 21A ऐड करेंगे, है ना, आर्टिकल 21B ऐड करेंगे, तो क्लॉज ऐड होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो आर्टिकल बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे अगर आप काउंट करोगे तो आपको टोटल 470 आर्टिकल दिखेगी, ठीक है। वैसे ही पार्ट्स के साथ भी है। फॉर एग्जांपल, अगर पार्ट की बात करोगे आप तो पार्ट में भी ऐसे ही होता है। पार्ट 4 अगर है, पार्ट नया 4 ऐड करना है तो पार्ट 4A ऐड होगा,
ठीक है, बी ऐड होगा, सी ऐड होगा, लेकिन वो जो नंबर है वो वही रहेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ेगा, लेकिन जो आप अंत में पढ़ोगे तो आपको उतना ही दिखेगा। लेकिन शेड्यूल के साथ ये केस नहीं है। शेड्यूल जब ऐड करी जाती है तो शेड्यूल का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं ऐड होती है। तो इसीलिए जब 8 शेड्यूल था और आज के डेट में अगर आप शेड्यूल देखोगे तो टोटल आपको 12 शेड्यूल देखने को मिलेगा। अब देखो, इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाई हुई है। उस वीडियो में हम लोगों ने सारे अमेंडमेंट्स को देखा है कि कब कब कैसे कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नए नए अमेंडमेंट के बाद नए नए आर्टिकल्स ऐड हुए, कैसे कैसे कौन कौन से आर्टिकल को हटाया गया, है ना, और आज के डेट में 470 आर्टिकल कैसे पूरा गया, है ना, पूरा हो गया। तो वो वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जो भी क्वेरीज आपके माइंड में थी वो क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, फिर से हम वहाँ पे क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर। मेहर ठाकुर साइनिंग ऑफ।